वक्त की बड़ी खबर अरवल जिले से है, जहां अरवल जिले के कलेर थाना क्षेत्र अंतर्गत आगानपुर गांव में रिश्ते को तार तार करने वाली घटना सामने आई है। दरअसल बुधवार को आपसी विवाद में एक कलयुगी बेटे ने अपने पुत्र के साथ मिलकर अपने मां को जलाने के लिए उसके शरीर पर केरोसिन तेल डाल दिया और उसे जलाने की कोशिश की। गनीमत रही कि केरोसिन तेल डालने के बाद महिला के दूसरे पुत्र ने बीच बचाव किया और ग्रामीणों के मदद से महिला को सुरक्षित घर से बाहर निकाला और उसे नहाया गया। माटी का तेल उजले माटी का तेल उजीबे तो हम मैंने मिट्टी के तेल जलाने के लिए उजल रहा था। एक हजार उजल था। क्या नाम है आपका? बीच बचाव करने आए लोगों के साथ भी महिला के पुत्र के द्वारा मारपीट की घटना का अंजाम दिया गया। वहीं महिला के दूसरे पुत्र 40 वर्षीय नारद चंद्रवंशी, पिता सीताराम चंद्रवंशी और उनके भाई मनोज चंद्रवंशी को भी पीट पीट कर गंभीर रूप से जख्मी कर दिया। इधर मारपीट के दौरान बीच बचाव करने आई नारद चंद्रवंशी की पत्नी अनीता देवी और मां शकुंतला देवी के साथ भी मारपीट की गई, जिससे तीनों लोग बुरी तरह से जख्मी हो गए। तीनों घायलों को ग्रामीणों के मदद से अरवल सदर अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है, जहां तीनों का इलाज कराया जा रहा है। मामले में पीड़िता शकुंतला देवी ने बताया कि मेरे बड़े पुत्र मनोज चंद्रवंशी और पोता मनीष चंद्रवंशी आपसी विवाद में मुझे जलाने की कोशिश की और गंभीर रूप से घायल कर दिया, और मारपीट किए जाने के बाद उनके छोटे पुत्र के साथ भी मारपीट की गई, जिससे वह गंभीर रूप से जख्मी हो गए। तीनों घायलों का इलाज अरवल सदर अस्पताल में किया जा रहा है। फिलहाल कलेर थाने की पुलिस के द्वारा बताया गया कि मामला संज्ञान में आया है, लेकिन पीड़िता के द्वारा किसी प्रकार से कोई आवेदन नहीं दिए जाने के बाद अभी तक किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की गई है। जैसे ही पीड़िता के द्वारा आवेदन दी जाएगी, मामले के ऊपर कार्रवाई की जाएगी। We'll be right back.